अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बेसिकली वही पेपर है जिसे हम लास्ट टू वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं और आज इस पेपर को कंप्लीट कर देंगे। इस वीडियो में 2019 फिजिक्स 9th क्लास का पेपर है। इसके पहले दो पार्ट जो थे, पार्ट वन जो एमसीक्यूज बेस्ड था उसमें 12 एमसीक्यूज थे, उसे हमने क्वेश्चन नंबर वीडियो फर्स्ट वीडियो में हमारी अपनी वीडियो में डिस्कस किया। और अभी जो है बेसिकली हम फिर हमने सेकंड वीडियो बनाई जिसमें हमने सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बड़े डिटेल में डिस्कस किए। और अब ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम इस पेपर का जो सेक्शन सी है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, उसे हम बड़े डिटेल में जो है वो देखेंगे। पहले मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ, ये देखें, ये सेक्शन सी है। ये देखें, ये बस वही पेपर है जिसे फिर नीचे उर्दू में, उर्दू मीडियम वालों के लिए उर्दू में जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, सही है। अब देखें, अब ये थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन मैं आपको बता दूं। सेक्शन सी जो है इसके टोटल मार्क्स जो है वो आपके पास 20 है। ठीक है, और आपने कोई से दो क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। तीन क्वेश्चन आपके पास टोटल गिवन है, कोई से दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और इसके भी 10 मार्क्स हैं, इसके भी 10, इसके भी 10। तो कोई से भी दो आपका सोल्व करेंगे तो 20 नंबर का ये सेक्शन आपका हो जाएगा। और आपने वही दो क्वेश्चन सोल्व करने हैं जो आपको ज्यादा अच्छे से आते हैं, या अगर आपको एक क्वेश्चन का एक पार्ट आता है, दूसरे के आपको दो पार्ट आते हैं, तो आप फिर वही करें जिसके आपको दो पार्ट आते हैं, जिसका एक पार्ट आता है फिर वो आप ना करें क्योंकि वो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो इस जो आपके पास ये जो सेक्शन होता है ना, सेक्शन सी, इसके लिए मैं आपको कुछ हिंट्स दे दूं। इसके लिए आपने, एक तो ये है कि इसमें आपसे अक्सर डेरिवेशंस पूछी जाती हैं। डेरिवेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिस तरह यहाँ पे भी आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पूछी हुई है उन्होंने ड्राइव करने के लिए, प्रूव करें 2as = vf2 - vi2। एक लाजमीन हर क्वेश्चन का में, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, एक पार्ट जो है वो एमसी न्यूमेरिकल्स होता है। देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और एक शॉर्ट सा कोई मतलब किसी चीज के ऊपर वो नोट लिखने को दे देते हैं, जिस तरह इक्विलिब्रियम से रिलेटेड दे सकते हैं, टास्क से रिलेटेड दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशंस भी पूछ सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में एक डेरिवेशन, एक न्यूमेरिकल, ये हर क्वेश्चन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इन्हीं की वेटेज ज्यादा होती है। साथ तीसरा पार्ट होता है वो तो डेफिनेशन या शॉर्ट नोट होता है कोई किसी भी चीज के ऊपर। तो नोट ये है कि कोई भी दो क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तमाम के मार्क्स जो है वो पूरे इक्वल है, तो यहाँ आपने डिटेल्ड सॉल्यूशन देने होते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक शेयर कर दें, और ताकि हम बार बार मिलते रहें। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन आपके साथ जो है वो शेयर करने लगा हूँ। तो ये देखें, ये मैं करने लगूंगा साथ, ये देखें। ड्राइव करना है 2as = vf² - vi² तो ये देखें, 2as = vf² - vi² तो इसके लिए ये है कि आप एक स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो हम कंसीडर कर लेते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ से मुराद ये है कि स्पीड और टाइम के दरमियान ये ग्राफ होता है। स्पीड जो है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे जो है वो हमारे पास टाइम होता है। तो क्या होगा कि आपने फिर इस फिगर की थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है हमें, कि एक स्पीड टाइम ग्राफ ले लिया, एक ओरिजिन है जहाँ पे स्पीड और टाइम दोनों जीरो हैं, फिर एक आप इस ग्राफ के ऊपर जो है एक एरिया बना लें, एक जो स्पीड का ग्राफ है यहाँ के सेंटर से एक पॉइंट ए कह दें, और डॉटेड लाइन लगा के एक टाइम के ऊपर पॉइंट ले लें, उसे सपोज डी कह दें, और ये जो जहाँ पे कट कर रहा हो वाई एक्सिस को उसे सी कह लें, और ए पॉइंट से एक ज्वाइन कर लें ऊपर,
वो जो एक स्ट्रेट लाइन आपने टाइम एक्सिस पे ड्रा की है उसे बी कह लें, तो यहाँ से एरिया क्योंकि ये ट्रायंगल बन रही है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आ जाएगा, तो ये चीज आ गई। और या एरिया को आप लिख सकते हैं कि ये आपके पास वी आई इंटू टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि हाफ इंटू ए इंटू टी जो है वो आपके पास विलास्टी ही होती है, ठीक है। तो ये चीज आ जाएगी क्योंकि एक्सलरेशन होती है ना वी बाई टी, तो वी क्या होगी, एक्सलरेशन वी बाई टी होते वी ए टी हो जाएगी, तो ए इंटू टी विलास्टी आपके पास बन जाएगी, टाइम ऐसे ही, और हाफ तो वो कांस्टेंट ही है, ठीक है। ये बेसिकली वी इंटू टी, ये मैं रेक्टेंगल के लिए आपको बता रहा हूँ कि एरिया, ठीक है। तो और हाफ टी इंटू ए टी, ये बेसिकली आपके किसके लिए एरिया आ रहा है, ये ट्राइंगल के लिए आ रहा है। तो फिर आप ये जिस तरह मैंने बता दिया कि इनिशियल विलास्टी वी आई जो है वो ओ ए है, फाइनल विलास्टी वी एफ जो है वो बेसिकली क्या है, वो हमारे पास जो है बी डी है, तो असलरेशन क्या होगी, वो बेसिकली हमारे पास होगी बी सी माइनस ए सी डिवाइडेड बाई ए सी, और ये बराबर होगी, अब बी सी, ये जो हमारे पास बी सी ए सी, हम लिख सकते हैं कि ये बी डी माइनस सी डी है, क्योंकि बी सी जो है इतना पोर्शन है, टोटल बी डी है, टोटल बराबर है बी सी प्लस सी डी, तो अगर बी सी फाइंड करना है तो वो हमारे पास टोटल बी डी माइनस सी डी आ जाएगा, ठीक है। और ए सी जो है वो बेसिकली वो ये जो ओ डी है, ठीक है। तो यहाँ से, और ये भी हमने कंस्ट्रक्शन से ये पता चल रहा है कि जो बी डी है हमारे पास वो वी एफ है, और जो सी डी और ओ ए है ये वी आई है, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो अब ये फार्मूले में आप पुट कर दें, एक्सेलरेशन इक्वल बी डी माइनस सी डी डिवाइड बाई ओ डी, तो ये वी एफ माइनस वी आई बाई ओ डी बन जाएगा, तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ओ डी हमारे पास वी एफ माइनस वी आई बाई ए आ जाएगा। तो डिस्टेंस कवर्ड भी आप निकाल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम ओ ए बी डी, ये एक ट्रॉपिज्म जो है वो बन रही है, और ये बराबर होता है हाफ इंटू, ये देखें बी डी प्लस ओ ए मल्टीप्लाई बाई ओ डी, तो बी डी पता है क्या है, वी एफ है, ओ ए पता है वी आई है, ओ डी वो भी यहाँ से निकाला है, वी एफ माइनस वी आई बाई ए, आप ये करेंगे वी एफ माइनस वी आई इंटू वी एफ प्लस वी आई, ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला बनेगा, तो ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये बन जाएगा वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर डिवाइडेड बाई टू ए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, फिर टू एस इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर आ जाएगा आपका, और ये ही हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको हमने ड्राइव करना था, तो ये इस तरह हमारे पास जो है फिर ड्राइव हो जाएगी। तो इसी तरह आपको मोशन की जो फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, वो भी ड्राइव करने आनी चाहिए, वो भी आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं, और आपको मोशन की लॉज जो है वो भी, आपको उनकी स्टेटमेंट भी अच्छे से याद होनी चाहिए, और साथ एग्जांपल्स भी याद होनी चाहिए, वो भी आपसे क्वेश्चन में जो है वो पूछा जा सकता है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का जो है हम देख लेते हैं, अब सॉरी ये पार्ट बी मैंने सोल्व कर दिया आपके साथ, और पार्ट ए क्या है, व्हाट इज फिजिकल बैलेंस एक्सप्लेन, बता दे तुम फिजिकल बैलेंस, ये बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ये भी 2021 के सिलेबस में एक्सक्लूड कर दिया गया था, तो लिहाजा इसे मैं फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपको इस क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, तो मैं ये एक अलग से वीडियो बना के इस पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्सक्लूड मैंने 2021 के सिलेबस में एक्सक्लूड थे, मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किए वो, और इसी तरह जो अगर लॉन्ग क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन हैं जो 2021 के सिलेबस में एक्सक्लूड थे और हमने डिस्कस नहीं किए, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन थ्री के पार्ट सी पे, अ बॉडी हैज वेट 20 न्यूटन, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली टूवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहले तो आप ये देख लें कि आपके पास डेटा कौन सा जो है वो गिवन है, आपके पास वेट गिवन है बॉडी का 20 न्यूटन है,
एक्सेलरेशन आपके पास गिवन है 2 m/s2, आपने फोर्स फाइंड करनी है इस ऑब्जेक्ट को वर्टिकली मूव करने के लिए। तो W हमें पता है क्या होता है, mg होता है, और W गिवन है, हम m यहाँ से निकाल सकते हैं। W अगर mg होता है तो m हमारे पास क्या आ जाएगा, mw/g आ जाएगा। W 20 है, g 10 है, g वही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्योंकि अपवर्ड मोशन है अब, तो मैस जो है W/g हो जाएगा, W 20, g 10, तो 20/10 2 kg आ जाएगा। तो अब हम पता है कि जो नेट फोर्स है इस केस में क्या लग रही होगी, जब ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर मूव कर रहा है, नेट फोर्स F इक्वल एम ए होती है, इक्वल टू अप्लाइड फोर्स जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, माइनस स्पीड जो के, ठीक है ठीक है, ये हो जाएगा नेट फोर्स हमारे पास अप्लाइड फोर्स माइनस स्पीड होगी। तो नेट फोर्स एम ए, अप्लाइड फोर्स एफ, वेट डब्ल्यू। तो एम भी गिवन है, जो ऊपर से फाइंड किया है 2, ए भी गिवन है 2, इक्वल टू एफ हमने फाइंड करना है अप्लाइड फोर्स की कितनी चाहिए इसे ऊपर ले जाने के लिए, और वेट जो है वो 20, वो क्योंकि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा तभी माइनस साइन के साथ आ रहा है, और फोर्स के साथ पॉजिटिव साइन इस वजह से क्योंकि ऊपर ले जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो एफ माइनस 20। अब यहाँ से आप थोड़ा सा सिंपल कर लें, माइनस 20 है यहाँ, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2 × 2 = 4 + 20, तो 24 N जो है वो आपके पास जवाब बनेगा। तो 24 N की फोर्स हमें चाहिए एक वेट बॉडी का जिसका वेट 20 N है, उसे 2 m/s² की एक्सेलरेशन के साथ ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है। तो ये था सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 3, जिसने हमने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए है, व्हाट इज मीन्ड बाय स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है ये हमने एक्सप्लेन करना है। अब अच्छा देखिए, अब इसमें दो चीजें पूछी गई, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और फिर उनकी एक्सप्लेनेशन। इसका मतलब है एक नंबर आपका, दो नंबर आपके स्टेबल इक्विलिब्रियम के हैं, दो नंबर आपके अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के हैं, क्योंकि टोटल 4 नंबर है इस क्वेश्चन के। और स्टेबल में भी एक नंबर आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन का है और एक नंबर एक्सप्लेनेशन का है। इसी तरह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में भी एक नंबर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन का है और एक नंबर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की एक्सप्लेनेशन का है। तो इस हिसाब से आपने एक्सप्लेनेशन भी देनी है और डिफाइन भी करना है। अब जाहिर है एक नंबर जब एक्सप्लेनेशन का है तो 2 से 3 लाइनें एक्सप्लेनेशन के लिए मोर देन एनफ है। सबसे पहले देखते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम है जी, अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर ऑल लाइट टिल्ट इट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजिशन। के अगर जब लाइट जो है टिल्ट हो तो वो अपनी वापस पुरानी पोजिशन पे आ जाए, तो इसे हम कहते हैं कि बॉडी जो इक्विलिब्रियम में है। एक्सप्लेनेशन में बता देता हूँ कि व्हेन अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब कोई ऑब्जेक्ट बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट द लोएस्ट पोजीशन, तब इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लोएस्ट पोजीशन पे होती है, और जब ये टिल्ट होता है इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो राइज कर जाती है। इट रिटर्न्स टू इट्स स्टेबल स्टेट बाय लोअरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये वापस अपनी पोजीशन में कैसे आता है, अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जो है वो लोअर करके। A body remains in stable equilibrium as long as the center of gravity acts through the base of the body. Object तब तक center stable equilibrium में रहता है जब तक इसकी center of gravity जो है इसकी base से जो है act कर रही हो। Okay, example है एक book जो है वो table के ऊपर पड़ी हुई है, तो ये stable equilibrium की जो है example है। अब इस तरह unstable equilibrium को define कर लेते हैं, फिर इसकी explain करके एक example दे देंगे। If a body does not return to its previous position when set free after the slight tilt, it is said to be unstable equilibrium. कि कोई थोड़ा सा tilt हुआ और जो body है वो हमारे पास अपनी पुरानी position पे वापस ना आया, तो इसे हम unstable equilibrium कहते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि center of gravity जो है body की highest position पे होती है जब वो unstable equilibrium में होता है, तो इस वजह से ये हमारे पास अब वापस अपनी मेन पोजीशन पे नहीं आता। तो और इसकी एग्जांपल जो है, अगर एक पेंसिल है उसे हम उसकी टिप पे जो है वो बैलेंस कर रहे हैं, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बड़ी अच्छी एग्जांपल है हमारे पास। अब
इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट बी है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं ना, उसकी ऑर्बिटल स्पीड के लिए एक्सप्रेशन जो है वो हमने ड्राइव करनी है। तो अब इसमें यह है कि ये क्वेश्चन जो है ये भी 2021 के सिलेबस में एक्सक्लूड था, तो इस वजह से मैं फिलहाल इससे आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपको इसका भी सोल्यूशन चाहिए तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमीन बताना है, तो एक बड़ी डिटेल्ड वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जिसमें ये रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन और ये लॉन्ग क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स आपके साथ मैं डिस्कस कर लूंगा, आपको सोल्यूशन इनके प्रोवाइड कर दूंगा। और चलें, और क्वेश्चन नंबर जो है अब हम सी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी जो है, पार्ट सी जो है क्वेश्चन नंबर 4 का, अ मोटर बोट मूव्स एट स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज 4000 न्यूटन, कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन। ठीक है, ये 2 नंबर का है, छोटा सा प्रॉब्लम है। तो पहले जो डाटा गिवन होता है वो लिख लें, बोट की स्पीड गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड वो लिख ली, वाटर रेजिस्टेंस जो है वो 4000 न्यूटन है वो लिख ली, कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन, इसके इंजन की पावर जो है वो फाइंड करनी है। तो पावर क्या होगी, वर्क पर यूनिट टाइम होती है, वर्क प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वर्क की जगह फोर्स इंटू डिस्टेंस लिख लेंगे। और अब क्या आगा, पावर एफ इंटू एस बाई टी, और एस बाई टी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होता है, तो एफ इंटू वी फोर्स गिवन है 4000, वो मल्टीप्लाई बाई वी गिवन है कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, तो हमारे पास 16000 वॉट, और या इसे हम 10^3 लिख लें तो 16 किलो वॉट जो हमारे पास पावर आ जाएगी। तो ये हमने क्वेश्चन जो है वो 4B कंप्लीट जो है वो सोल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम देख लेते हैं और फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है बेसिकली पार्ट ए है, राइट अ नोट ऑन हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम इन व्हीकल्स। अच्छा, ये भी क्वेश्चन जो है ये 2021 के स्मार्ट सिलेबस में एक्सक्लूड था, लिहाजा इसे मैं डिस्कस नहीं कर रहा फिलहाल। लेकिन वही बात, अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो मैं आपके साथ एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो फ्यूचर में डिस्कस कर लूंगा, शेयर कर लूंगा। तो चलिए अब हम इसके पार्ट बी को देख लेते हैं क्वेश्चन के, क्वेश्चन 5 के। अ कंटेनर हैज 2.5 लीटर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू बॉयल द वाटर। स्टेटमेंट पहले लिख लें जो डाटा गिवन है, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है 2.5 लीटर, और मास ऑफ वाटर कितना है 2.5 kg। जाहिर है जितना मतलब उसका जितना लीटर है उतना ही मास है, और वाटर की डेंसिटी मैंने जिस तरह आपको कहा था याद रखनी है 1000 kg/m³ होती है, या 1 kg/l भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो 1 लीटर होता है वो क्या होता है 1 m³ जो है वो होता है। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है ये भी आपने याद रखना है, ये 4200 J/kg/K होती है। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर गिवन है वाटर का 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, बॉयल करना है तो बॉयल जब करेंगे तो तब कितने टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है ना, लिहाजा T2 टेम्परेचर T2 जो होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो टेम्परेचर में चेंज कितना आएगा डेल्टा टी, वो T2 - T1, तो 100 - 20 80 डिग्री सेंटीग्रेड या 80 केल्विन को आएगा। और अब हमने इस हीट फाइंड करनी है, तो फार्मूला आपने याद कर रखना है, Q=mC∆T होता है, तो Q=C गिवन है, मैंने कहा जो स्पेसिफिक हीट है वाटर की 4200 मल्टीप्लाई बाई एम जो मास है वाटर का 2.5 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी जो टेम्परेचर में चेंज आया, टेम्परेचर में इंक्रीज आया वो 80 केल्विन है, मल्टीप्लाई बाई 80, तो क्यू हमारे पास आ जाएगा, हाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4200 ÷25 ÷80 तो 84, और 4 0 फिर आएंगी जौल, तो इतनी हमें हीट चाहिए या 84 किलो जौल इसी कह लें। ठीक है, वाटर को बॉयल करने के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके। तो अब इस क्वेश्चन नंबर सी जो है हमारे पास, और नहीं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी है ये जो है हमारे पास जो है लास्ट पार्ट है, राइट अ नोट ऑन एप्लीकेशन एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ रेडिएशन।
ये क्वेश्चन भी जो है वो 2021 के स्मार्ट सिलेबस में एक्सक्लूड था, लिहाजा मैं इसे डिस्कस नहीं कर रहा। तो चलें वीडियो को सम अप कर लेते हैं। देखें आज इस वीडियो में मैंने 2019 फिजिक्स क्लास 9 का सेक्शन सी जो है वो डिस्कस किया। ये 20 नंबर का सेक्शन होता है, 3 क्वेश्चन आपके पास होते हैं, लेकिन आपने कोई से 2 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। हर क्वेश्चन के जो है 10 नंबर होते हैं, और लेकिन जो आपने वही 2 सोल्व करने हैं जो आपको बेस्ट आते हैं। टिप आपको मैंने ये दी, एक तो ये जो है जितनी डेरिवेशन है वो आपको आनी चाहिए, जिस तरह मोशन की इक्वेशन है 3 उनकी डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। इसके अलावा आपको सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एग्जांपल्स वो आनी चाहिए। हर लॉन्ग क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है और एक डेरिवेशन आ रही है मैक्सिमम। वो जो तीसरा पार्ट होता है वो कोई डेफिनेशन हो सकती है, कोई शॉर्ट एक्सप्लेनेशन हो सकती है किसी चीज की 3 से 4 नंबर की। वो अपनी इस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। न्यूमेरिकल्स बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट्स भागते हैं वो इसके बिना नहीं रह सकते फिजिक्स में। तो ये चीज है। फिर मैंने ये कहा कि कुछ इसमें से ऐसी चीजें हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन बी के भी हमने एक्सक्लूड किए जो अभी तक डिस्कस नहीं किए, 4-5 क्वेश्चन, और यहाँ पे भी हमने 2-3 डेफिनेशन जो है पार्ट्स जो है सेक्शन सी के भी एक्सक्लूड किए हैं। इस वजह से एक्सक्लूड किए हैं क्योंकि ये 2021 के स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं थे, इस वजह से मैंने इन्हें फिलहाल डिस्कस नहीं किया। लेकिन अगर इनका सोल्यूशन आपको चाहिए तो आपने मुझे बताना है, इनका सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और चलें इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पेपर जो है 9th क्लास का वो डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।